हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले आज की डेट में IEX रिलेटेड। 4.46% लगभग 5% की शेयर में क्या हो चुकी है, गिरावट हो चुकी है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये स्टॉक जब यहाँ पर चला करता था, उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ये स्टॉक गिरने वाला है, और गिरने पर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कहाँ तक गिरेगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो लाइन एज इट इज ड्रॉ है। मैंने 148 का अनुमान लगाया था और ये उसी के आसपास, लगभग 150 के आसपास ये टच करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो हमारा जो टारगेट था वो एक्चुअली अचीव होता हुआ नजर आया। अब ये शेयर यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, क्या एग्जैक्टली चल रहा है? क्योंकि जो न्यूज आई है वो इसके पक्ष में नहीं है, वो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर है लगभग 4% गिरता हुआ, 5% गिरता हुआ नजर आया है। और क्या कितना और गिर सकता है, या फिर इसके क्या चांसेस है कि ये शेयर जिसका ऑल टाइम हाई है, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ शेयर ले रखे हैं, 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 तो क्या बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसी ही गिरावट यहाँ पर SBI कार्ड्स में हुई थी, रीजन आपको बता दिया है, और SBI कार्ड्स भी देखेंगे। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो SBI कार्ड्स कहाँ चल रहा था, SBI कार्ड्स यहाँ पर चल रहा था, और देखिए यहाँ रिकवर होते होते ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, चीजें टेक्निकल नाम की चीज होती है। जब आप फंडामेंटल देखते हैं तो केवल फंडामेंटल देखते हैं, बट फंडामेंटल के साथ टेक्निकल जब जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एज इट इज हम यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर फंडामेंटल तो हम जानते हैं, थोड़ी बहुत और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर टेक्निकल और जुड़ जाएगा तो चीजें और अच्छी नजर आएगी, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। बट इससे पहले बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बट बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज को तो देखते हैं बट हमें सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाए, और शायद उनमें से एक वीडियो ऐसी हो जो आपकी किस्मत को चेंज कर दे, क्योंकि एक स्टॉक्स शायद आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, ये मैंने मार्केट में देखा है और मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज वेल एज हम यहाँ पर ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं IEX की, तो IEX की अगर हम बात करें तो मैं कुछ न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप यहां पर देखिए, REC सैंक्शन ₹220 बिलियन अंडर न्यू LPS रूल्स। तो यहां पर एक LPS रूल्स आता हुआ दिखाई दिया है। LPS रूल्स होता क्या है, उससे रिलेटेड हम जान लेते हैं सबसे पहले। तो LPS रूल जो है यहाँ पर लेट पेमेंट चार्जेस से रिलेटेड है, लेट पेमेंट सर्विस चार्जेस आप देख सकते हैं। तो इस चीज से रिलेटेड ये है, इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्टेट है भारत में, आप जानते हैं लगभग 28 to 30 स्टेट्स है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये यहाँ पर एक्सचेंजेस करते हैं, ये बिजली लेते हुए दिखाई देते हैं ताकि वो अपनी जो जनता है उन्हें यहाँ पर बिजली पहुंचाते, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हुए नजर आए। और जो ये एक्सचेंज, जो ये बिजली का ट्रेड होता है, वो किस में होता है, वो होता है देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ देख रहा है इंडियन एनर्जी, हमारा भारत का जो एनर्जी एक्सचेंज है उसमें। तो यहाँ पर ये एक पूरा मोनोपोली स्टॉक्स नजर आता है, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पर एक्सचेंज होता है वो केवल इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होता हुआ दिखाई देता है। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है कि बहुत सारी जो बड़े बड़े स्टेट है, लगभग 13 स्टेट्स ऐसे है जो यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें से भी 6 और 7 स्टेट ऐसे हैं जिसका 40 to 50% वॉल्यूम जो एक्सचेंज होता है ना, जैसे 100 यूनिट का एक्सचेंज होना है, तो 100 में से जो 40 to 50% की यूनिट है केवल 6 से 7 स्टेट्स में यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो 6 से 7 स्टेट उन 13 स्टेट्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग $220 बिलियन REC का यहाँ पर है, जिसमें से यहाँ पर देखें मोर मेजर स्टेट सच एज राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश विद पेंडिंग पावर परचेज ड्यू टू द ट्यून ऑफ
almost 960 billion are complying with the rules in the line with the same that the distribution license of these states will be paying around 26 billion to rupees to their electricity supplier on 5th of August 2020 तो 5 अगस्त को पैसे पे करने थे जो इन्होंने यहाँ पर पे नहीं किए हैं तो इनमें बड़े बड़े सिटीज है ऑब्वियस सी बात है अब क्या होगा तो देखिए बेशक से कितनी बड़ी यहाँ पर स्टेट हो तो अपनी गवर्नमेंट अपने जनता को यहाँ पर क्या पे करना है इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ देनी ही देनी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दी जाएगी और स्टेट्स के पास पैसा रहता है गवर्नमेंट के पास पैसा रहता है और जो ये इम्पोज किए गए हैं जितने भी ये रूल्स तो ये इम्पोज किसने किए ये इम्पोज किए गवर्नमेंट ने ओके क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा सरचार्जेस था यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा पावर जनरेशन कंपनी जेनोकॉस हैज स्टार्टेड रेगुलेटिंग पावर सप्लाई जो यहाँ पर अब रेगुलेट करना शुरू कर दिया है इन्होंने कि भाई बहुत तो लिया है तुम्हारा बहुत मजे काट लिए पैसे पे करो वरना देखी जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारी की यहाँ पर स्टेट है उन्हें यहाँ पर अंडर सर्वेलेंस रख रखा है ओके और बहुत ज्यादा उनकी बिजली भी काटी जा रही है तो ये सब कुछ होती हुई नजर आ रही है तो इस वजह से हमारा जो स्टॉक्स है जो कि यहाँ पर 40-50% स्टेट्स है वो उसके अंडर आ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा आईएक्स पे तो जब आईएक्स पे इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है तो उसी रीजन की वजह से शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखिए वाई ऑन वाई बेसिस पे मतलब जुलाई में जो यहाँ पर वॉल्यूम था वो भी 1.7% से यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है तो देखिए मैं क्या हमेशा आपको बताता हूँ कि एक शेयर की एक लिमिट होती है भागेगा अच्छा भागेगा यहाँ पर देखिए ये शेयर लगभग 3800 रुपए से कितने पे जाता हुआ दिखाई दिया 320 रुपए पे और इसने यहाँ पर अभी बोनस स्प्लिट भी दिया था उसके बाद चीजें नीचे आई थी ओके और यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर क्या बेकार हो गया तो शेयर बिल्कुल भी बेकार नहीं है एकदम बेहतरीन स्टॉक्स है बट दो चीजें यहाँ पर याद रखिए एक तो शेयर ने एक ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है ओके और रिटर्न देने के बाद शेयर यहाँ पर करेक्ट भी हो गया 47% ओके और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज था वो कंसोलिडेशन फेज भी यहाँ पर हो गया है मार्केट एक तरफ भागे जा रही है बट ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरते जा रहा है तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में ऑब्वियसली बात है अराइज होते ही होते हैं क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर शेयर ले रखे है तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आपको डरने वाली बात नहीं है पहली बात क्यों क्योंकि जो इसका बॉटम था ना वो बॉटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है जो ये बॉटम था ये बॉटम ये केवल बॉटम है और ये बॉटम में क्या कर रहा है बॉटम में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है ओके मजे कर रहा है मस्ती कर रहा है न्यूज आ गई तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है अगर यहाँ पर गिरा तो एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है जो कि सामने ही सपोर्ट है ये वाला ओके ये सपोर्ट को इसने हैंडल कर लिया वेल एंड गुड इस सपोर्ट को तोड़ देता है अगेन शेयर जो लाइन है इसी के आसपास आता हुआ दिखाई देगा तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शेयर गिरेगा तो आपको थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस ही बात है आपने शेयर स्टॉक मार्केट में है तो रिस्क इतना तो लेना पड़ता है पहली बात अब दूसरी बात क्या दूसरी बात ये कि ये शेयर धीरे धीरे बढ़ेगा कोई भी चीज लगातार यहाँ पर गिरती नहीं है कोई भी चीज लगातार यहाँ पर भागती नहीं है इस चीज को क्या होगा इस चीज को आपको समझना होगा ओके कोई भी चीज लगातार गिरती नहीं है कोई भी चीज लगातार यहाँ पर भागती नहीं है तो यहाँ पर जब गिर रही थी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरी तो फिर ऊपर चला गया फिर नीचे गिरी फिर ऊपर चला गया फिर गिरी फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरी फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरी तो इस तरीके से इसने यहाँ पर क्या बनाया लोअर लोज बनाते हुए नजर आया अब यहाँ पर हायर हाईज बनाते हुए दिखाई देगा तो एक हाई इसने यहाँ बनाया एक हाई अब यहाँ पर बनाएगा फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर यहाँ बनाएगा तो न्यूज है न्यूज का इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है न्यूज बेस ना तो बाइंग करनी होती है ना न्यूज बेस कभी भी सेलिंग करनी होती है और मुझे क्या नजर आता है मुझे नजर आता है ये राउंडिंग बॉटम ओके थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके बस ये राउंडिंग बॉटम पूरा क्लियर होता हुआ नजर आएगा एक बेहतरीन एक्युमुलेशन जोन है आप चाहे तो इसमें एवरेज कर सकते हैं अगर किसी ने यहाँ ले रखा है यहाँ ले रखा है प्राइस एक एवरेज हो जाएगा जब प्राइस एवरेज हो जाएगा जब यहाँ पर आएगा तो आप अगर आपको डर लगता है शेयर बाजार से तो यहाँ पर निकल जाइएगा अदरवाइज ये शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला और बेहतरीन रिटर्न देगा और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर देखिए इसके जो मार्जिन थे सितंबर में 88 थे इसमें 86 थे और यहाँ पर मार्जिन देखिए लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो ये और अभी मैंने आपको न्यूज दिखाई थी कि इसका डिक्लाइन हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे आईएक्स का जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड होती है तो इसके इसमें क्या होगा कि अभी दो तीन क्वार्टर
लगभग एक दो और तीन तीन क्वार्टर तो भूल जाइए, मार्च तक तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर आपको अच्छे खासे, अगर आप यहाँ पर भी है ना तो भी आपको यहाँ पर यहाँ तक पूरा पहुंच पाए ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है अभी। तो अभी क्या हो सकता है कि जो यहाँ पर खरीदेगा न्यू एंट्री लेगा तो हो सकता है कि उसको यहाँ तक के रिटर्न मिल जाए, यहाँ तक मिल जाए ओके, लगभग 20% 30% के रिटर्न मिल जाए, फिर उसके बाद चीजें नीचे जाए, कंसोलिडेट करे और मार्च तक यहीं पर ही घूमती रहे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाना शुरू करे। कब? जब यहाँ पर इसके जो ये जो यहाँ पर ये जो रिटर्न्स है, जो यहाँ पर रिजल्ट है, जो यहाँ पर मार्जिन है, वो मार्जिन अच्छे खासे जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। शेयर में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। DIIs ने देखिए हिस्सेदारी बढ़ाई है, FIIs ने हिस्सेदारी बेची थी ओके, पब्लिक के पास हिस्सेदारी 57% की है। इसमें भी कुछ बड़े बड़े नाम नाम है यहाँ पर, और याद रखिए जब भी लगातार पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपको कॉशियस होना पड़ता है, इस चीज को माइंड में रखिए। पब्लिक की बढ़ रही है माइंड में रखिए, FIIs DIIs की माइंड बढ़ रही है माइंड में रखिए, क्यों? क्योंकि तब शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा। क्या बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं? अपना फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।